दोस्तों बिहार में संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रही बहुत बड़ी खबर है। 4 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और उसमें तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, 44+ डिपार्टमेंट है अभी संविदा वाले, और सभी डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी के बैठक होने जा रही है। यहाँ आप लोग समझ लेंगे कौन कौन सी विभाग की चर्चा की गई है। इसमें जितने भी विभाग है सभी विभागों के कर्मचारी को सैलरी बढ़ोतरी सहित अन्य सुविधा देखने को मिल सकती है। ये बड़ी बैठक होने जा रही है 4/10/2023 को, और इस बैठक में नीतीश कुमार खुद भाग लेंगे और सभी नोडल पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं, संविदा वाले जो भी डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और चुनाव से पहले जितने भी संविदा वाले डिपार्टमेंट है सभी कर्मचारी को कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे समझ लेंगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है, और 4/10/2023 को मीटिंग भी होने वाली है कैबिनेट के, तो उसमें तमाम संविदा कर्मी को कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और यहाँ पर देखेंगे समय 11:30 से लेकर 1:30 तक ये मीटिंग होने जा रही है। स्थान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के सभाभवन में, और यहाँ पर देखेंगे विभाग का नाम दिया गया, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा एवं वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मित्र, और जो भी और तालमीकि मरकज है इसी डिपार्टमेंट में आते हैं, इन सबको लाभ पहले ही मिल चुका है। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे सहकारिता विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, विधि विभाग, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट की नाम ली गई है इसका बैठक जो होने वाले 11:30 से लेकर 12:30 के बीच, इतने डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी इस मीटिंग में भाग लेंगे। और फिर से जो बैठक होने जा रही है 4/10/2023 को 12:30 से लेकर 1:30 के बीच 1 घंटे का फिर से मीटिंग होने वाली है। उसमें देखेंगे गृह विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा डिपार्टमेंट, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भवन निर्माण विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वित्त विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, संसदीय कार्य विभाग। इसमें टोटल 44+ डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है, और इसमें जो भी डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है सभी डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं इस बैठक में। तो जो भी इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले भी बैठक की गई थी, उसमें सैलरी कुछ कुछ डिपार्टमेंट की बढ़ोतरी की गई थी, और ये जो है काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो सड़क पे उतर चुके हैं, और सभी डिपार्टमेंट से लगातार मंत्रिमंडल में जो है लेटर सौंपा जा रहा है जो भी परेशानी है डिपार्टमेंट में। तो ये जो है सभी डिपार्टमेंट जो भी था इसमें बैठक होने जा रही है, और आप लोग को सैलरी बढ़ोतरी सहित अन्य आप लोग को सुविधा देखने को मिल सकता है। ये बबड़ी बैठक होने जा रही है, और चुनाव आगामी 3 नवंबर से आचार संहिता भी होने जा रही है, तो उससे पहले सभी को कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिलेगा जो अभी बिहार में संविदा पे कार्य कर रहे हैं। और जो भी बाकी डिपार्टमेंट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि उस पर हम नए वीडियो बना सके, आप लोग का आवाज़ हो ताकि सरकार तक पहुँचा सके। और जो भी डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में अगर आप लोग नहीं कार्य कर रहे तो आप अपना डिपार्टमेंट कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि आप लोग को आवाज़ जो है अगले वीडियो में हम सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर 2023 को इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय होते हैं आप लोग को सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।